रक्षाबंधन। कल सावन की पूर्णिमा है, राखी का त्योहार है। उषा अपनी सहेलियों के साथ राखी लेने बाजार गई। राखी की दुकान पर बड़ी भीड़ थी। दुकानदार जल्दी जल्दी राखियां बेच रहा था। उषा और उसकी सहेलियों ने भी रंग बिरंगी राखियां खरीदी। फिर वे घर आ गईं। अगले दिन उषा जल्दी उठी। नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने और तिलक की थाली सजाई। मां रसोई घर में जल्दी जल्दी खाना बना रही थीं। उन्हें भी अपने भाई को राखी बांधने जाना था। उषा के भाई आगरा से आने वाले हैं। जब कभी सड़क पर कुछ आवाज होती, उषा दौड़कर दरवाजे पर जाती और सड़क की ओर देखती। भाई को ना आते देख वह निराश होकर लौट आती। उषा ने मां से कहा, क्या बात है, भैया अभी तक नहीं आए, आज मैं किसे राखी बांधूंगी? उषा को उदास देखकर मां ने कहा, कोई बात नहीं उषा, पहली गाड़ी निकल गई होगी, थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आने वाली है, प्रभात जरूर आएगा। मां ये कह ही रही थी कि हाथ में अटैची लिए प्रभात भीतर आ गया। भाई को देखकर उषा बहुत खुश हुई। देखिए आपने कितनी देर कर दी भैया। उषा ने प्रभात से कहा, क्या करता उषा, गाड़ी ही देर से आई। मां के पांव छूते हुए प्रभात बोला, अब तुम जल्दी से नहा लो। हाँ। मां ने कहा। नहा धोकर प्रभात तैयार हो गया। उषा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी और फिर उसे मिठाई खिलाई। प्रभात ने बहन को प्यार किया और उपहार दिया। उछलती कूदती उषा सहेलियों के साथ खेलने चली गई। रक्षाबंधन बहुत प्राचीन त्योहार है। एक बार चित्तौड़ पर एक पड़ोसी राजा ने चढ़ाई की। चित्तौड़ की महारानी कर्मवती अकेली उसका मुकाबला न कर सकी। उसने दिल्ली के बादशाह
हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया। राखी मिलते ही हुमायूं सब काम छोड़कर अपनी बहन कर्मवती की सहायता के लिए चल पड़ा। आज भी रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, वह प्रार्थना करती है कि राखी उसके भाई को सब संकटों से बचाए। भाई बहन से राखी बंधवाता है, इसका अर्थ है कि वह अपनी बहन की सदा रक्षा करेगा। राखी का बंधन रक्षा का बंधन माना जाता है और इसीलिए इस त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। कठिन शब्द। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। पूर्णिमा, पूर्णिमा। त्योहार, त्योहार। तिलक, तिलक। निराश, निराश। प्रण, प्रण। युद्ध, युद्ध। संकट, संकट। चित्तौड़, चित्तौड़। कर्मवती, कर्मवती। हुमायूं, हुमायूं।